देखिए एक शब्द है अभय। तो इस उड़िया में अभय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या अर्थ और मतलब होता है जानेंगे। एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में शब्द को यूज करके अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समझिए शब्द को क्या अर्थ और मतलब होता है अभय का। देखिए अभय बोलते हैं भय रहित, मतलब निडर बेडर, जिसे भय या खौफ ना हो। निर्भय दिलेर बहादुर साहसी हिम्मती दिलावर उदंड निर्भीक अभीक अभीत या बेखौफ, मतलब अभय। इंग्लिश में अभय को बोलते हैं अनअफ्रेड फियरलेस डॉन्टलेस ब्रेव बोल्ड करेजियस एडवेंचरसम इंटरपिट वैलियंट वेलोरस एंड एटीसी, मतलब और भी इंग्लिश में इसके वर्ड्स आ सकते हैं। अब एग्जांपल से सेंटेंसेस में समझते हैं शब्द को अच्छी तरह से। जैसे बोलेंगे आम बोलचाल में तो इस तरह से शब्द को प्रयोग करेंगे कि अभय का मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसको किसी से भय या डर ना हो। मतलब इंग्लिश में फियरलेस मीन्स अ पर्सन हु हैज नो फियर और अफ्रेड ऑफ एनीवन, या अभय मीन्स अ पर्सन हु हैज नो फियर और अफ्रेड ऑफ एनीवन। दूसरा एग्जांपल है कि ज्ञान हमारे हृदय को अभय बनाता है, मतलब इंग्लिश में नॉलेज मेक्स आवर हार्ट फियरलेस। तो फियरलेस का मतलब अभय निडर बेखौफ। ठीक है, तो उम्मीद है आपने अभय शब्द को इंग्लिश और हिंदी में एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। Thanks for watching EduCare Desk.